महमूद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गल्ला शौक दी। गल्ला शौक दी में मैं आज आपको लेके आया हूँ लियाकत शाह साहब के पास, लियाकत शाह साहब का शौक दिखाने के लिए। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे कट्टे रखे हुए हैं, भैंस रखी हुई है और कबूतर रखे हुए हैं। तो मिलते हैं शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा भैया ना, माशाल्लाह से आपका बहुत ही प्यारा शौक है, हम देखने के लिए आए हैं। तो क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ शौक के मुतालिक, तो अपना शौक दिखाएं हमें। जी आए। ये देखें भैया, ये हैं भैंस। हाँ जी, कौन सी नस्ल की है? माशाल्लाह, ये कोई पता नहीं है कि नीली की है या कोई और नस्ल की है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये माशाल्लाह कट्टे रखे हुए हैं आपने? कट्टे रखे हुए हैं, ये देखने आप। ये जी माशाल्लाह चार पांच कट्टे हैं जी, लेकिन कट्टे हमसे डर रहे हैं, वो कहते हैं कोई इंजेक्शन लगाने वाले आए हैं, पता नहीं क्या आ जाएगा, काफ़ी आगे पीछे हो रहे हैं डर के। तो मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखाएगा इसको कि ये क्यों डर रहे हैं हमसे। हेलो ओ मिस्टर, ये डर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर आया हुआ टीके लगाने के लिए। हेलो, ये माशाल्लाह सफ़ेद आँखों वाले हैं जी, ये इसी का कट्टा लगता है मुझे आँखों के हिसाब से। वो साथ वाला जो है ना उसका। अच्छा वो वाला है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं जी। तो इसके अलावा यहाँ पे गांव है, खुले खेत वगैरह होते हैं। शाह साहब ने असील मुर्गों का भी शौक रखा हुआ है, लेकिन इस टाइम जो है ना मुर्गियाँ एक दो तो यहीं पे सामने फिर रही हैं, बाकी साइड पे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम जब आएँगे, हाँ ये भी खड़ी हैं, मेरा कैमरा मैन अभी दिखाएगा, शाह साहब दिखाएँगे कि शाह साहब ये कौन कौन सी नस्लें हैं? ये असील नस्ल की हैं जी। असील, प्योर असील है? प्योर असील। अच्छा ये किस इलाके के हैं? ये मियांवाली के। मियांवाली के जी। अच्छा जी, माशाल्लाह लड़वाते भी हैं? हाँ बिल्कुल लड़वाते भी हैं। ठीक है जी। नाज़रीन इस टाइम खुले हुए हैं क्योंकि अचानक से आए शाह साहब के पास, कोई आने का प्लान नहीं था, बस आए थे मुजाहिद शाह साहब के पास, वहीं से इधर ही आ गए हैं, इसलिए तैयारी में नहीं थे लियाकत भाई। तो नेक्स्ट जब भी आएंगे इनको इतला करके आएंगे ताकि माल की भी अच्छे से बन जाए। अभी हम आपको पिजन भी दिखाएंगे शाह जी के, माशाल्लाह बहुत प्यारे कबूतर हैं जी। मेरा कैमरामैन अभी दिखाएगा क्योंकि ये न्यू शिफ्ट हुए हैं, अभी आज ही आए हैं ये यहाँ पे, तो इसलिए खोलेंगे नहीं, अंदर से ही दिखाएंगे आपको। अच्छा शाह जी, ये नीचे ही लड़ते हैं सारे? सब नीचे वाले हैं। ये आप यानी कि यहाँ से कितनी पट्टी पर जाती हैं? ये कम अज़ कम 10 किलोमीटर की पट्टी पर जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, सारे रंगीन है माशाल्लाह? सब रंगीन है जी। नाज़रीन, तो मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखा रहा है क्योंकि इस टाइम जो है ना ये नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, पहले वो थोड़ा सा दूर थे और जगह पे थे, आज ही यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं खोल रहे, अंदर से ही आपको दिखाएँगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं वह, माशाल्लाह थोड़ा सा डिफरेंट था, इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर को ये भी दिखाऊं। मेरा कैमरामैन दिखाएगा अभी आपको और गहराई शाह जी से पूछेंगे कि ये कितनी गहराई में है। शाह जी ये कितनी गहराई है नीचे? ये कम से कम 45 फुट है। 45 फुट? हाँ 45 फुट। तो यहाँ पे पानी नीचे आया या क्या वजह? पानी बहुत गहरा है। गहरा है, अच्छा जी नीचे। जी नाज़रीन देखा माशाल्लाह काफ़ी गहरा है ये, आगे दिखाएगा उस साइड पे पंखा लगाया हुआ है, 45 फुट पे पंखा है इसका जो लगा हुआ है, और यानी कि पानी इससे भी ज़्यादा गहरा है नीचे है। तो इस साइड में दिखाएगा मेरा कैमरा मैन, इसके पानी की निकासी की भी जगह बनी हुई है। तो बहुत प्यारे मनाजिर हैं, गांव हैं, हर तरफ हरियाली है, यहाँ पे भी छोटे से वो किन्नू लगे हुए हैं माल्टे टाइप के, वो हैं बागात भी हैं, और इसके अलावा खेत हैं, हरियाली है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा शाह जी के पास आके। हमें कपास की जानिब आए हैं, कपास देखने फूल निकाले हुए हैं, लियाकत भाई से पूछेंगे ये कौन सा बीज है और कब तक तैयार हो जाएगी। ये लियाकत भाई कौन सा बीज है ये? ये माशाल्लाह जी SS32 नाम है इसका। अच्छा जी। ये वैरायटी जो है ना माशाल्लाह, ये कम से कम 40 से 50 टीना जो है ना इस वक्त लगा हुआ है इसके ऊपर, खिले हुए हैं। अच्छा, और ये बस तैयार है माशाल्लाह, अभी पहली चुनाई जो है ना ये कल शुरू करनी है। अच्छा माशाल्लाह जी। ये नाज़रीन देखिए माशाल्लाह कपास बिल्कुल तैयार है, पहली चुनाई एक दो दिन में स्टार्ट कर देंगे शाह जी। तो बहुत ही प्यारी जो है ना फसल है, मेरा कैमरामैन आपको करीब करके दिखाएगा, और दोनों साइडों से माशाल्लाह ये जगह गोगड़े बने हुए हैं, फूल उठाए हुए हैं इन्होंने। अभी वो देखें, वो इनके टींडे छोटे छोटे बने हुए हैं,
वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा करीब से। कपास खुल रही है, देखिए यहाँ पे जो है ना मीठा कहा जाता है, मिठड़ी कहते हैं हमारे इलाके में, और इसके अलावा ग्रेड ग्रा भी है, मिक्स है ये। इसके अलावा इस साइड पे किन्नू है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे मनाजिर हैं, सब्जा है, ऊपर जामन है जी, इसके अलावा साथ आम है, और यानी कि यहाँ पे हर तरह की जो हमारा इलाका जो इलाका है यहाँ पे हर तरह की फसल होती है, बहुत ही प्यारा इलाका है। यहाँ की जगह तकरीबन जितनी भी हैं यहाँ पे जो भी चीज़ पैदावार उगाती हैं वो पैदावार देती है, और साफ पानी की और शौक से हम बीजते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, क्योंकि देहात की एक अलग ही तासीर है। यहाँ पे हर घर में तकरीबन जो है ना जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे वो खुद के खाने के लिए इस तरह की चीज़ें उगाते हैं, पैदा करते हैं, फसल रखते हैं, जैसे किन्नू हो गया, नींबू भी हैं यहाँ पे, वो भी दिखाएंगे आपको, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं फसल है, यानी कि सब्जियाँ वगैरह, वो भी यहाँ पे पूरी उगाते होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शौक रखते हैं लियाकत भाई। इस टाइम जो है ना पिजन बंद हमने दिखाए हैं, नेक्स्ट जब कभी आएंगे तो उड़ते हुए दिखाएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ कि लियाकत भाई का शौक आपको प्यारा लगेगा। अगर शौक अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।